हेलो एवरीवन, आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लेंट और एफआईआर के बारे में। जी हाँ, ये जो दो टर्म है कंप्लेंट और एफआईआर, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लेंट और एफआईआर से जुड़े हुए हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से बारीकी से समझेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कंप्लेंट के बारे में बेसिक, एफआईआर के बारे में बेसिक, सेकंड एफआईआर होता क्या है, जो एफआईआर होता क्या है, कंप्लेंट और एफआईआर से जुड़े जो रिलेवेंट केस लॉज है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ जो अंतर है, डिफरेंसेस है कंप्लेंट और एफआईआर के बीच, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लेक्चर को पूरा देखना, आपका जो कॉन्सेप्ट है कंप्लेंट और एफआईआर को लेके वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर कोई पर्सनल क्वेरी है आपको, कोई भी समस्या है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको मिलेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि डेली लेक्चर आपको मिल पाए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एफआईआर जो शब्द है इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो टर्म है एफआईआर, इसको डिफाइन नहीं किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, लेकिन जो प्रावधान है, प्रोविजंस है एफआईआर से जुड़े हुए, वो आपको मिलेंगे सीआरपीसी के चैप्टर 12 में, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एफआईआर, और ये डील करता है सेक्शन 154 से 176 तक, लेकिन स्पेसिफिकली एफआईआर का प्रोविजन आपको मिल जाएगा 154 में। चैप्टर 12 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कोर चैप्टर कहा जाता है सीआरपीसी का, और हर जुडिशियल एग्जाम में, किसी भी स्टेट का बात करें तो हर जुडिशियल एग्जाम में चैप्टर 12 से आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो चैप्टर 12 154 सेक्शन से लेके 176 तक हर एक सेक्शन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको चैप्टर 12 का लेक्चर सीरीज चाहिए हर एक सेक्शन पे 154 से 176, तो आपको उन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखो अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशियल एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हो। तो बात करेंगे सबसे पहले एफआईआर के प्रोविजंस कहां दिए गए, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन का, डिफाइन तो नहीं किया गया है एफआईआर को कहीं पे भी, लेकिन लिटरली क्या होता है एफआईआर। तो एफआईआर एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है, अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका संबंध होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस से, व्हिच रिलेट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये एफआईआर जब भी दिया जाता है तो किसी के द्वारा भी दिया जाता है, गिवन बाय एनी पर्सन, और दिया जाएगा तो किसको जाएगा, तो गिवन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ये लिटरली इसका डेफिनेशन हो गया। अब कुछ कोर पॉइंट पे बात करते हैं एफआईआर का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीरो एफआईआर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है जीरो एफआईआर, तो जनरली आपको ये तो समझ में आ रहा है कि जीरो एफआईआर उस एफआईआर को कहेंगे कि एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में लॉज हो सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत ऑफेंस हुआ है या नहीं, इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं जीरो एफआईआर का कंसेप्ट। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये जो कंसेप्ट था जीरो एफआईआर का, ये किस केस में इवॉल्व हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो केस था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रामुबे का। दूसरा रिलेवेंट पॉइंट कि अगर मान लीजिए एफआईआर को दर्ज करने में अगर डिले हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रोसिक्यूशन के केस में। तो अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है इस बात को प्रूव करने का कि आखिर क्या कारण था उचित जिसके कारण डिले हुआ है एफआईआर को लॉन्च करने में, तो अगर कारण उचित नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, तो यहां प्रोसिक्यूशन का केस को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो यह बात किस केस में कहा गया था, चुन्नी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एफआईआर से जुड़ा हुआ वो ये कि सेकेंड एफआईआर क्या हो सकता है, कि एक ही ऑफेंस का दो बार एफआईआर कम कर सकते हैं क्या। तो डीटी एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया कि सेकंड एफआईआर का कोई स्कोप नहीं है सीआरपीसी में। अब एक और पॉइंट आप जान लो, जब आप सेक्शन 154 को देखोगे तो जनरली एफआईआर कैसे लॉन्च होता है ये तो आपको 154 बता ही देगा, लेकिन अगर इन केस ऑफ रिफ्यूजल, अगर एफआईआर लॉन्च करने में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अगर मना करे तो आपके पास क्या रिमेडियल मेजर है, तो आपके पास जो मेजर है, रिमेडियल मेजर है, वो ये है कि आप एसपी के पास जा सकते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन दर्ज करा सकते हो ऑफेंस को लेके। हमेशा याद रखना एक बात कि एफआईआर जब भी होता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का होता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर को विदाउट वारंट या विदाउट ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट
अरेस्ट करने का अथॉरिटी होता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि अगर मान लीजिए आम नागरिक को क्या पता कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए कोई जनरल पर्सन गया पुलिस स्टेशन और उसने एक एप्लीकेशन दिया कि उसके एफआईआर को लॉन्च किया जाए, और अगर वो एफआईआर अगर वो दैट मींस कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके है, तो फिर क्या होगा? क्या पुलिस उसके उस इंफॉर्मेशन को दर्ज करेगी, लॉन्च करेगी, एफआईआर लॉन्च करेगी क्या? तो अब यहां देखिए, जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके अगर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो यहां पे क्या किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, दैट मींस ऑफिसर इनचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो व्यक्ति के दैट मींस इंफॉर्मेंट के बात को रिकॉर्ड तो कर लेगी, लेकिन उसके बाद उसको ट्रांसफर दैट मींस रेफर कर देगी, डायरेक्ट कर देगी मजिस्ट्रेट के पास कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ और मजिस्ट्रेट को अपना जो एप्लीकेशन वो दो। यही प्रोसीजर फॉलो होगा, ये आपको दिख जाएगा सेक्शन 155 में सीआरपीसी का। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर पॉइंट कंप्लेंट के बारे में। जो कंप्लेंट शब्द है इसको डिफाइन किया गया है सीआरपीसी 1973 में। किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है कंप्लेंट को? सेक्शन 2D में। तो किस प्रकार डिफाइन किया गया है कंप्लेंट को? तो कहता है कंप्लेंट एक प्रकार का एलिगेशन है, काइंड ऑफ एलिगेशन व्हिच इज मेड ओरली और इन राइटिंग, जो लिखित में भी होता है या मौखिक में भी होगा। अब होगा तो किसको होगा? तो जब भी कंप्लेंट होगा टू द मजिस्ट्रेट होगा, और कंप्लेंट किसके विरुद्ध हो सकता है? तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध होगा, चाहे वो व्यक्ति नोन हो या अननोन हो, जो अक्यूज्ड है उसके बारे में जानकारी है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंप्लेंट होगा क्यों होगा मजिस्ट्रेट के पास? ताकि मजिस्ट्रेट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कार्रवाई कर सके। यही होता है कंप्लेंट का डेफिनेशन। लेकिन यहां पर जब आप 2D को देखोगे, सेक्शन 2D को, तो वहां कहता है कि रिपोर्ट मेड बाय पुलिस वो कंप्लेंट नहीं होता, पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं होगा। अब एक्सप्लेनेशन भी जाओगे तो एक्सप्लेनेशन समझाता है कि कब एक पुलिस रिपोर्ट, पुलिस के द्वारा बनाया गया रिपोर्ट कंप्लेंट माना जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन क्लेरिफाई करता है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को नहीं पता था कि वो जिस अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका नेचर नॉन कॉग्निजेबल है, उसने एफआईआर लॉन्च कर लिया, पुलिस ऑफिसर भी समझ नहीं आया पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लॉन्च किया, एफआईआर लॉन्च करने के बाद जब वो निरीक्षण करने लगा, इन्वेस्टिगेशन करने लगा, तो उसको पता चला ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि जिस अपराध का वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका नेचर तो नॉन कॉग्निजेबल है। तो वो जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को हम कहेंगे कंप्लेंट, और पुलिस ऑफिसर जिसने कंप्लेंट दैट मींस रिपोर्ट बनाया है उसको हम कहेंगे कंप्लेनेंट। तो यहां पे इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाया गया रिपोर्ट कंप्लेंट माना जाएगा। परिस्थिति क्या है याद रखना। तो ये हो गया कंप्लेंट का डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। अब केस लॉ कंप्लेंट से जुड़ा हुआ, तो देखो अब आपके मन में यह भी विचार आता होगा कि क्या एक ही अपराध का दो बार कंप्लेंट होगा क्या? तो एक अपराध का दो बार कंप्लेंट नहीं हो सकता है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था। वो केस था, आप राइट डाउन करो, वो केस है दामोदर एस प्रभु वर्सेस सईद बाबूलाल का। दामोदर एस प्रभु वर्सेस सईद बाबूलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही अपराध का, एक ही ट्रांजेक्शन का दो बार कंप्लेंट नहीं हो सकता है, चाहे एक ही कोर्ट में बात करें चाहे अलग अलग कोर्ट में हम बात करें। दूसरा रिलेवेंट पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए कंप्लेनेंट कंप्लेंट कर दिया उस मजिस्ट्रेट को जिस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था उस ऑफेंस पे, वो मजिस्ट्रेट कंपिटेंट ही नहीं है कि ट्राई कर सके उस ऑफेंस को, और इस आधार पे अगर मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को अक्यूट कर दे तो ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है। क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट जिसको कंप्लेंट हुआ है उस कंप्लेंट पे अगर मजिस्ट्रेट इनकॉम्पिटेंट है टू टेक कॉग्निजेंस, तो वो क्या करेगा? पार्टी को कंपिटेंट मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहेगा, वह एक्यूट नहीं करेगा एक्यूज्ड को। यही बात कहा गया था किस केस में? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। तो यह तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लेंट और एफआईआर को लेके। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या अंतर होता है कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं। बात अगर इसके डिफरेंसेस करें कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में क्या अंतर होता है, तो बेसिकली चार डिफरेंसेस आपको नजर आएगा कंप्लेंट और एफआईआर के बीच।
तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कंप्लेंट और एफआईआर के बीच वो ये है कि कंप्लेंट जब भी होगा तो मजिस्ट्रेट को होगा, चाहे लिखित हो या मौखिक हो, कंप्लेंट जब भी होगा तो मजिस्ट्रेट को होगा। वही दूसरी ओर जब हम लोग एफआईआर को देखेंगे तो एफआईआर जब भी होगा तो किसको लॉज होगा, टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। दूसरा नंबर पॉइंट पर बात करते हैं तो कंप्लेंट का संबंध कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से हो सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल का एडवर्स होता है। ठीक है, तो कंप्लेंट जब भी होगा तो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का हो सकता है, लेकिन एफआईआर जब भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बोला था वो होगा तो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस का। तीसरा नंबर पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखकर बात करते हैं अगर, तो कंप्लेंट के आधार पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन एफआईआर के आधार पे क्या मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है? मजिस्ट्रेट अपने संज्ञान में किसी मामले को एफआईआर के आधार पे नहीं ले सकता है। पुलिस रिपोर्ट, फाइनल पुलिस रिपोर्ट के आधार पे, चलान पे ले सकता है, चार्जशीट के आधार पर जो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा 173 सबसेक्शन 2 के द्वारा, लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर कभी भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कंप्लेंट के आधार पर कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले लेता है ऑफेंस का। चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस दो को बात करते हैं कंप्लेंट और एफआईआर के बीच, तो ये है कि कंप्लेंट कभी भी जनरल मैंने बताया था ना डेफिनेशन में कि कंप्लेंट कभी भी इंक्लूड नहीं करता है खुद में रिपोर्ट ऑफ द पुलिस। पुलिस रिपोर्ट कभी भी कंप्लेंट नहीं माना जाएगा, मींस टू से कि कंप्लेंट कभी भी नहीं हो सकता है मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के द्वारा एज ए जनरल रूल। लेकिन एफआईआर का बात अगर हम करेंगे तो एफआईआर आम नागरिक के द्वारा भी हो सकता है और पुलिस ऑफिसर भी खुद ऑफेंस का एफआईआर लॉन्च करवा सकती है। तो यहां देखो लिख लो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंस मे बी गिवन बाय एनीबॉडी, किसी के द्वारा भी दिया सकता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफेंस का, या पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी दिया सकता है, लेकिन कंप्लेंट जब भी होगा तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं होगा एज ए जनरल रूल, किसी पर्सन के द्वारा नहीं होगा, जनरल पर्सन एनीबॉडी नॉट इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर, जनरल रूल, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ये बता दिए हैं आपको कि कब पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट माना जाता है, किस परिस्थिति में वो अपवाद है ये जान लेना। तो ये हो गया चार पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। तो इसी के साथ दोस्तों हम यहां पे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है एफआईआर के मीनिंग पे, कंप्लेंट के मीनिंग पे, इन दोनों टर्म से जुड़े रिलेवेंट केस लॉज पे, और इंपॉर्टेंटली कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है आज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। मैं आपको अंत में इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से रियली में बहुत मोटिवेशन मिलता है, इतना मिलता है कि मन करता है कि हर दिन आपके लिए वीडियो बना सकूं। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है, आप किसी भी मैटर पे नॉलेज लेना चाहते हो, अपने करियर को लेके कोई भी सवाल है आपके मन में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।